नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और मानक भाषा। आज हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा के सहायक आचार्य डॉक्टर पतंजलि मिश्रा। मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं चाहूँगा कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा एवं मानक भाषा, जो भाषा के विभिन्न रूप हैं, जो शब्दावली प्रयोग की जाती है भाषा के विभिन्न रूपों के लिए, उन पे मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो विस्तृत जानकारी हमारे शिक्षार्थियों को प्रदान करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मेरा परिचय दिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग ठीक तरीके से जानते हैं कि भाषा के विभिन्न रूप हैं जी, और इन्हीं विभिन्न रूपों में से एक रूप है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा और मानक भाषा। यह भाषा के विभिन्न प्रकारों में इनकी गणना की जाती है और आजकल इसे जानना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सामान्य बोलचाल में, दस्तावेजों में और कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में इन्हीं तीन प्रकार के भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक एक करके इनका विश्लेषण करने से पहले हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा का संप्रत्यय क्या है, भाषा क्या है, जिससे कि भाषा को समझने के बाद फिर हम एक एक को विश्लेषित करेंगे और उसके संप्रत्यय और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो भाषा का जब प्रश्न उठता है तो हम ठीक तरीके से यह जानते हैं कि सामान्य रूप में भाषा जो है वह अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के रूप में देखी जाती है। इसलिए चूँकि मनुष्य और पशुओं की भाषा में अंतर का प्रश्न खड़ा होता है, और मनुष्यों की भाषा में विकास के साथ व्याकरण, प्रतीक जी, सुव्यवस्थित प्रणाली और सार्वभौमिकता, चार गुण जो हैं वो प्रमुख रूप से उभर कर सामने आते हैं। एक बोली भाषा का जब रूप ले लेती है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई व्याकरण होगा, वह किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से समझाई जाएगी, बताई जाएगी, और उसका एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होगा, एक सुव्यवस्थित प्रणाली होगी और उसमें एक यूनिवर्सल अपील होगा जो कि परिवर्तित नहीं होगा। तो यह चार गुण जो हैं वह मनुष्यों की भाषा को पशुओं की भाषा से अलग साबित करते हैं। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण भाषाविद हुए हैं एडवर्ड सेपियर अमेरिका में, वो कहते हैं कि प्राथमिक रूप से भाषा वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में देखने की प्रवृत्ति की वाचिक प्रस्तुति है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरीली जो है वह भाषा जो भी हमारे आसपास की घटनाक्रम है उनको प्रतीकों के रूप में व्यवस्थित तरीके से सामने रखने की प्रणाली को ही भाषा का नाम दिया गया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह पाते हैं कि एक भाषा तो है ही, और इसी भाषा के सहारे बहुभाषावाद जो है एग्जिस्टेंस में आता है। एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं कुक, उन्होंने एक जगह चर्चा की है कि बहुभाषावाद जो है एक असामान्य अपवाद के बजाय प्रत्येक सामान्य इंसान के लिए उपलब्ध प्राकृतिक क्षमता है। इसका मतलब यह है कि भाषा अर्न करने की क्षमता जो है वो नेचुरल है, वो सीखी जा सकती है, वो लर्न्ड बिहेवियर है, और उपयुक्त वातावरण को देखते हुए दो भाषाएं उतनी ही सामान्य है जितने की दो फेफड़े, जितने की जो दो किडनियां। हमारे शरीर में जिस तरीके से दो फेफड़े हैं उतनी ही सामान्य है दो भाषा को जानना, समझना और सीखना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जब, तो हम यह पाते हैं कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा एवं मानक भाषा भी बहुभाषावाद से प्रेरित है, और यह बात जो है NCF 2000 बड़ी मजबूती के साथ हमारे सामने रखती है। वो कहती है कि यही बहुभाषावाद की प्रेरणा से ही मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के सर्वमान्य स्वरूप के रूप में मानक भाषा उभर कर आती है। तो एक तरीके से तीनों के बीच जो अंतर संबंध है यह हमारे लिए जानना और समझना बेहद आवश्यक और ज़रूरी भी है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि इसमें अंतर भी और संबंध भी जी दोनों पे आप चर्चा करें और एक एक करके बताएं मातृभाषा किसे कहते हैं और क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा किसे जी कहते हैं। आप चूँकि सबसे पहले हम मातृभाषा की चर्चा कर रहे हैं तो बहुभाषावाद का संप्रत्यय क्या है और बहुभाषावाद में कैसे मातृभाषा, मानक भाषा और क्षेत्रीय भाषा तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस संप्रत्यय को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि मातृभाषा का संप्रत्यय क्या है।
तो मातृभाषा का संप्रत्यय बड़ा सहज और सरल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम घर की भाषा या घर की भाषाओं, कई घर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ दो भाषाएं बोली जाती हैं, घर की भाषाओं और मातृभाषा या मातृभाषाओं की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत घर की भाषा मतलब घर में जो भाषा बोली जा रही है, कुनबे की भाषा जो आसपास, कुनबा शब्द इस्तेमाल होता है NCF 2005 में, इसलिए मैंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है, उसको कुनबा ही रखा है। कुनबे की भाषा मतलब जहाँ वो रहता है उसके एक बड़ा कुनबा, परिवार से एक बड़ा, हाँ, समूह बड़ा, बड़ा समूह जो है उसकी भाषा या आसपास पड़ोस की भाषा, ये मातृभाषा के अंतर्गत आ जाती है, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण करता है और वहीं सीखता है। इसको सीखने के लिए उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि मातृभाषा जो है वो नेचुरल है किसी भी बच्चे के लिए। और बच्चों में ये बात तो अब सर्वसिद्ध है, NCF 2005 में या NCFT 2009 में और तमाम दस्तावेजों में यह बात कही गई है कि बच्चों में भाषा की क्षमता जो है, भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, जिससे हम इननेट एबिलिटी कहते हैं, वो अपने आप वो भाषाएं सीखता है। बस शर्त ये है कि उसके आसपास के परिवेश में, उसके आसपास के समाज में वो भाषा बोली जा रही हो। हम रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। इसमें कोई ऐसी बताने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो इससे बिल्कुल इतर पाते हैं। एक उदाहरण से मैं इसको समझना चाहूँगा। आप देखें कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक पूरी की पूरी भाषिक संरचना के साथ स्कूल जाता है। वह यह बता पाने में सक्षम होता है कि मेरा नाम पतंजलि मिश्रा है, मैं कोटा राजस्थान से आता हूँ। जी, आप भी जब विद्यालय गए होंगे तो आपके अंदर इतनी क्षमता रही होगी कि आपने बताया होगा कि मैं कृष्णकांत हूँ, या घर का आपका जो नाम होगा वो आपने अपने अध्यापक, अध्यापक ने पूछा होगा आपसे कि आपका नाम क्या है, आपने यह बात बताई होगी। इसका मतलब आप एक पूरी भाषा के साथ, एक पूरी भाषिक संरचना के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं। अब विद्यालय की स्थिति देखिए। वैसे जो आप बता रहे हैं कि बच्चा अपनी भाषिक संरचना के साथ जाता है विद्यालय में, तो वैसे तो इस चीज़ को वर्जित माना गया है, लेकिन बहुत सारे निजी विद्यालयों में ये प्रैक्टिस है कि बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, जब वो कक्षा एक में जाता है तो उससे, उस पर चर्चा करते हैं, उसकी शब्दावली और उसके भाषा की क्षमता को परख के उसका एडमिशन दिया जाता है। हाँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ कि हमारे विद्यालयों में करते क्या हैं हम उस बच्चे के साथ जी। मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा किया जाना, लेकिन फिर भी जब एक बच्चा पूरी भाषा की संरचना के साथ जाता है, उसके बाद उसको हम क्या बताते हैं, क, ख, ग, या फिर ए बी सी। एक तो भाषा पूरी की पूरी संरचना, वो उसको पता है कि किस तरीके से वर्ब का प्रयोग करना है, उसे पता है कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भाषा को तोड़ तोड़ के इस तरीके से उस बच्चे के सामने रखते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है और बच्चा फिर से वहां से शुरू करता है, वह शुरुआत करता है। तो इसमें समझने वाली जो बात है, मेरा जो कहने का तात्पर्य है, ये इतनी बातें बताने का जो तात्पर्य है वह यह है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही दो या तीन भाषाओं में समझने और बोलने दोनों की क्षमता तो होती ही है। अब हमारे आधुनिक विद्यालयों को चाहिए कि इस क्षमता को रिकॉग्नाइज करें और उसकी, उस क्षमता को, उसकी लर्निंग बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, उसके लर्निंग आउटकम को बढ़ाने में उसका उपयोग करें, ना कि उस पर एक अलग से और भाषा थोप दी जाए जिससे कि वो आज तक बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहा हो। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यह किया जाए जी। किस प्रकार से यह किया जाए कि मातृभाषा जो है मजबूती से उसके अधिगम को प्रश्रय दे, मजबूती से उसके अधिगम को बेहतर करे। तो इसमें जब हम देखते हैं तो यह बात समझ में आती है कि अध्यापन कार्य जो है वह कम से कम प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में ही किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक और विद्यालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकांश बच्चे ऐसे परिवेश से आते हैं जहां उनकी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में शिक्षा दिया जाना
बिल्कुल उद्देश्य ही नजर आता है। और क्योंकि इन बच्चों की अभिव्यक्ति का माध्यम तो स्थानीय बोली ही होती है, अतः उनकी स्वयं की भाषा जिसे वे अपने परिवार, समुदाय या परिवेश से सीख कर आए हैं में ही शिक्षण सर्वश्रेष्ठ एवं प्रभावी हो सकता है। और NCF 2005 भी इस बात को कहता है कि आसपास पड़ोस की भाषा में बच्चा जब सीखता है तो उसका अधिगम ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा टिकाऊ होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो यह बात समझ में आती है कि बालक की मातृभाषा उसके शिक्षा का आधार होती है, और जितनी एनर्जी वो दूसरी भाषा को सीखकर और उसमें समझने की योग्यता अर्जित करता है, वह थोड़ा बड़ा हो जाए तो यह योग्यता अर्जित भी कर ले आसानी से, जितनी एनर्जी वो उसमें लगाता है उससे बेहतर है कि आप उसको मातृभाषा में शिक्षित करें। और मातृभाषा सीखने, समझने एवं ज्ञान की प्राप्ति का बिल्कुल सटीक माध्यम है। मातृभाषा केवल संवाद की नहीं अपितु संस्कृति एवं संस्कारों की संवाहिका भी होती है। वह अपने घर के संस्कार, वह अपने परिवार के संस्कार, वह अपने समाज के संस्कार, वह अपने देश के संस्कार, यदि विदेश में है तो वह अपनी मातृभाषा में ही रखता है, मातृभाषा में ही सीखता है और मातृभाषा में ही समझता है। उसको कोई दूसरी भाषा वो उसे आनंद नहीं दे सकती जितनी कि मातृभाषा में वो आनंदित हो सकता है। इसका मतलब जब हम बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार नहीं करते हैं विद्यालय में तो कहीं ना कहीं हम बच्चे के आत्मसंप्रत्यय को कमजोर करते हैं। जी बिल्कुल, आपने 100% सही बात कही है कि यदि हम बच्चों के मातृभाषा को विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों में यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसकी संस्कृति को, उसके संस्कारों को और उसके संवादों को सिरे से नकार रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से एक अच्छा काम तो नहीं ही है। मातृभाषा बालक के लिए संप्रेषण का सबसे सरल एवं समझ का बिल्कुल आसान माध्यम होता है। अब यह बात हमारे स्कूल कब तक समझेंगे या कब तक उनको यह बात समझ में आ जाएगी, यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। मातृभाषा के साथ क्या होता है कि अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता होती है, जो एक्सप्रेशन है वो नेचुरल होता है। आप याद करिए, जब आप कन्नौजी में बोलते होंगे तो आप कितना अपने आप को कंफर्टेबल और अपने घर परिवार, जमीन और मिट्टी से जुड़ा हुआ पाते होंगे। मैं जब भोजपुरी में बात करता हूँ तो मैं अपने मातृभाषा से, अपने गाँव से, अपने परिवेश से इतना जुड़ा महसूस करता हूँ। मातृभाषा में शब्दों को खोजना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। मातृभाषा तो वैसे ही है कि नेचुरली वो बिल्कुल आती है, उसके लिए आपको न शब्द खोजने की ज़रूरत है, न दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत है। तो ये मातृभाषा की ताकत है, और इससे यह बात सहज ही डॉक्टर साहब हम लोग समझ सकते हैं कि बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास यदि करना है, जैसे आजकल क्रिएटिविटी कहते हैं, चिंता भारत की शिक्षा व्यवस्था की यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में से हम इनोवेटिव लोग नहीं पैदा करते हैं। तो इनोवेशन तो तभी होगा जब आपने मातृभाषा में शिक्षा दी है। जितने भी बड़े आविष्कार दुनिया में हुए हैं, आप कल्पना करिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यदि मातृभाषा में नहीं गीतांजलि की रचना की होती तो शायद नोबेल प्राइज भी उनके लिए मुश्किल होता। इसके अलावा जितने बड़े आविष्कार हुए हैं वह मातृभाषा के बदौलत हुए हैं, क्योंकि मातृभाषा में सोचने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, और मातृभाषा के इस्तेमाल से उसका व्यक्तित्व जो है वह मजबूत, और उसके व्यक्तित्व को जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं उसमें मदद मिलती है। जैसे कि मातृभाषा के माध्यम से अगर शिक्षा होगी तो मुझे लगता है कि अधिक रुचिकर होगी, अधिक और जब हम विद्यालय या शिक्षक नई भाषा को थोप देते हैं बच्चे पे तो उसका कहीं ना कहीं भाषा के साथ संघर्ष बढ़ जाता है और विषय ज्ञान कहीं ना कहीं कमजोर। जी आपने जो शब्द इस्तेमाल किया थोप देना, वो बहुत उचित और सही शब्द है। देखिए भाषा तो आप जितनी बच्चा सीख ले उतना बढ़िया, लेकिन मातृभाषा की कीमत पर नहीं, मातृभाषा को सेक्रीफाइस करके नहीं, मातृभाषा का नुकसान करके नहीं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता को परिमार्जित कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने का कार्य मातृभाषा से आसान हो जाता है। और हमारे यहाँ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और बहुत मशहूर वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, शायद भारतवर्ष में बहुत से बच्चों के आदर्श होंगे और हम सब उनका अनुसरण करते हैं, उनके सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं। तो उन्होंने एक स्वयं के अनुभव के आधार पर कहा था
कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की। और ये बात उन्होंने धर्मपेठ कॉलेज नागपुर में जो है वहाँ पे एक भाषण के दौरान यह बात मजबूती से रखी थी। तो ये मातृभाषा का संप्रत्यय है और यह मातृभाषा की भूमिका है हमारे शिक्षण और अध्ययन के पूरे डिस्कोर्स में। अब डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि क्षेत्रीय भाषा का संप्रत्यय क्या है और ये मातृभाषा से कैसे अलग है? जी, क्षेत्रीय भाषा भी एक महत्वपूर्ण आयाम है भाषा के क्षेत्र में, जिसे जानना और समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वे भाषाएं जो प्रत्येक राज्य के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं, भले ही उन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी गई हो या नहीं, क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती है। क्षेत्रीय भाषा कहे जाने के लिए उसका मान्यता प्राप्त होने से कोई तात्पर्य नहीं है। एक उदाहरण लें यदि तो बनारस और बिहार के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी जो है एक स्वीकार्य भाषा के रूप में इस्तेमाल होती है। सामान्य बातचीत में भोजपुरी का इस्तेमाल लोग वहाँ करते हैं। भोजपुरी को मान्यता हो ना हो इससे उसका कोई मतलब नहीं है। कन्नौजी हो गई या मैथिली हो गई, मगही हो गई, ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनको मान्यता हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वह किसी राज्य के विशिष्ट भाग में या विभिन्न भाग में बोली जाती है तो उसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा की संज्ञा से अभिहित करते हैं। और एक ही घर में रहने वाले दो लोगों की मातृभाषा अलग अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि यदि कोई बच्चा है वो ज़्यादा समय तक बंगाल में रहा हो और उसके घर में बंगाली बोली जाती रही हो, और वह जब कहीं राजस्थान में आ गया तो बच्चा हो सकता है कि बंगाली बोल रहा हो चूंकि उसने घर के संस्कार हैं। लेकिन एक ही घर में यदि दो लोग रह रहे हैं उनकी क्षेत्रीय भाषा सामान्यतया अलग नहीं होती है। और इसमें समझने वाली यह बात है कि कई बार मातृभाषा भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। जी, यदि कोई एक क्षेत्र विशेष में रह रहा है और वहाँ पे एक विशिष्ट भाषा का इस्तेमाल वो घर में कर रहा है और वही भाषा उस क्षेत्र में बोली भी जा रही है, तो निश्चित रूप से मातृभाषा भी कही जाएगी और निश्चित रूप से वह क्षेत्रीय भाषा भी कही जाएगी क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में वह बोली जा रही है। तो यह एक संबंध भी है उन दोनों के बीच, और अंतर यह है कि उस क्षेत्र विशेष में उसका बोला जाना जरूरी है। यह नहीं है कि केवल घर में बोली जा रही है, उस पूरे क्षेत्र विशेष में उसका बोला जाना आवश्यक है। जैसे कि मातृभाषा से थोड़ा ये एरिया के हिसाब से बड़ा, एरिया के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है उस क्षेत्र में। किसी एक क्षेत्र में बहुत सारी मातृभाषाएं भी उपयोग में आती हुई देखी जा सकती है। एक उदाहरण लें तो भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे राजस्थानी। राजस्थानी कई तरह की राजस्थानी है, मारवाड़ी राजस्थानी अलग है या हाड़ौती की राजस्थानी अलग है, ये एक अलग डिस्कोर्स हो सकता है, या हरियाणवी या भोजपुरी के कई रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक क्षेत्र विशेष में कुल मिला जुला करके, चूंकि इसके मानक रूप हमको देखने को नहीं मिलता चूंकि यह बोली के रूप में होती है, इसलिए यह क्षेत्र विशेष में वह बोली जाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में विषय संबंधी ज्ञान कम ही उपलब्ध है, और यही कारण है कि शहरी और ग्रामीण स्कूल के विद्यार्थियों के बीच और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों और क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों के बीच की खाई गहरी होती जाती है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह NCF 2005 कह रहा है, जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को दिशा निर्देशित करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। यह दस्तावेज यह बात कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में विषय संबंधी ज्ञान कम उपलब्ध होता है, और इसी कारण से शहरी और ग्रामीण स्कूल के विद्यार्थियों के बीच और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों और क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों के बीच एक गहरी खाई बन जाती है, जिसे हम पाटने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन वह खाई देखते हैं हम कि धीरे धीरे बड़ी ही होती जाती है, वह भरी नहीं जा पाती है। ये एक क्षेत्रीय भाषा का संप्रत्यय संक्षिप्त रूप में आपके सामने है। डॉक्टर सर, ये मानक भाषा किसे कहेंगे, जरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा दो तरह की भाषाएं हो गई। अब प्रश्न उठता है कि मानक भाषा क्या है। मानक भाषा को आंग्ल भाषा में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, और मानक भाषा किसी भाषा का वह विशिष्ट रूप या प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय विशेष, राज्य या राष्ट्र में सर्वमान्य संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त हो
और लोक संवाद में प्रचलित हो। इसके दो शर्त हैं। पहली शर्त तो हो गई किसी समुदाय विशेष या राज्य या राष्ट्र में सर्वमान्य संपर्क भाषा का दर्जा उसे प्राप्त होना चाहिए, और दूसरा वह लोक संवाद में प्रचलित भी होनी चाहिए। अब लेते हैं आगे, देखते हैं इसको कैसे इसको समझेंगे हम लोग। अब किसी भी भाषा के मानकीकरण हेतु औपचारिक व्याकरण, शब्दकोशों और अन्य भाषा वैज्ञानिक कृतियों का गठन व प्रकाशन किया जाता है। क्या समझ में आई बात इससे कि एक औपचारिक व्याकरण, शब्दकोश और अन्य भाषा वैज्ञानिक कृतियों का गठन किया जाता है। इससे भाषा विज्ञान की बात हम लोग करते हैं तो हम मानक भाषा में जब हम आते हैं तब जाके भाषा विज्ञान की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी एक सुगठित और सुव्यवस्थित संरचना बन जाती है। कोई मानक भाषा बहुकेंद्रीय या एक केंद्रीय दोनों हो सकती है। बहुकेंद्रीय जैसे आंग्ल भाषा में हम लोग प्लूरोसेंट्रिक कहते हैं और मोनोसेंट्रिक एक केंद्रीय को। डॉक्टर साहब, ये बहुकेंद्रिता और एक केंद्रिता क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। हम लोग समझेंगे कि बहुकेंद्रीय और एक केंद्र क्या होता है। बहुकेंद्रीय उसे कहेंगे जो कि जिसके एक से अधिक मानक रूप निर्धारित किए गए हों। जी, जिस भी भाषा के एक से अधिक रूप निर्धारित किए हुए, जैसे अंग्रेजी, जैसे अमेरिकन अंग्रेजी है, ब्रिटिश अंग्रेजी है, फ्रेंच, फ्रेंच में भी ईस्ट फ्रेंच, वेस्ट फ्रेंच आता है, पर्शियन लैंग्वेज जो है उसके भी कई रूप देखने में आते हैं, अरबी के कई रूप देखने में आते हैं, रोचक बात हो गई है, और जर्मन के भी कई रूप देखने में आते हैं। तो जिसके कई मानक रूप हैं वो बहुकेंद्रीय की श्रेणी में आता है। और एक केंद्रीय जिसे मोनोसेंट्रिक कहते हैं, जिसका केवल एक ही मानक रूप निर्धारित किया गया हो, जैसे रूसी भाषा जो है उसका एक ही मानक रूप है, इतालवी भाषा इटली में जो बोली जाती है उसकी उसका एक ही मानक रूप है, और जापानीज जो है जापान में जो बोली जाती है उसका एक ही मानक रूप है। तो मुझे लग रहा है यह स्पष्ट हो गया होगा कि बहुकेंद्रीय और एक केंद्रीय भाषा का क्या संप्रत्यय है। अब इसमें यह समझने वाली बात है कि कौन कौन से वो तत्व हैं जिसके आधार पे हम किसी भाषा को मानक भाषा करार दे सकते हैं। कुछ तो क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा जिसके आधार पे हम ये कहेंगे कि यह मानक भाषा है, यह मानक भाषा नहीं है। तो इस पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानक भाषा के लिए चार प्रमुख अनिवार्य तत्व हैं। पहला ऐतिहासिकता जी, और दूसरा मानकीकरण, तीसरा जीवंतता और चौथा स्वायत्तता। अब एक एक करके देखेंगे कि ऐतिहासिकता से क्या समझते हैं हम, मानकीकरण से क्या समझते हैं हम, जीवंतता से क्या समझते हैं हम, स्वायत्तता से क्या समझते हैं हम। तो मानक भाषा का गौरवमय इतिहास एवं विपुल साहित्य होना चाहिए, बहुत लिटरेचर लिखा गया हो और उसकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए। जैसे हम यदि हिंदी को एक मानक भाषा के रूप में यदि स्वीकार करें तो हम देखेंगे कि हिंदी एक प्रक्रिया के तहत आज एग्जिस्टेंस में आई है। जरूर संस्कृत से पाली, पाली से अपभ्रंश, अपभ्रंश से खड़ी हिंदी बोली, खड़ी हिंदी बोली से आज जो रूप हम जैसे मानक हिंदी बोली, हिंदी भाषा कहते हैं, वो जैसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, वह रूप हमारे सामने आता है। तो एक ऐतिहासिक क्रम में इसका विकास हुआ है। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी के साथ भी हुआ। अंग्रेजी भी ग्रीक और लैटिन के स्थान पर धीरे 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 धीरे, बेकन ने कहा कि ग्रीक और लैटिन जो है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करेंगी, अंग्रेजी नहीं सर्वाइव करेगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। ग्रीक और लैटिन जो है धीरे धीरे अब समाप्ति के क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है उनको, उतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जैसे हमारे यहाँ संस्कृत हो रही है, और उसकी जगह पे अंग्रेजी ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन के समय पे तो अंग्रेजी एक नई भाषा थी। हाँ, और एक 14वीं शताब्दी तक तो ये एक छोटी सी, ये तो जैकोबियन एज है, 1625 से 1649 जगह की एक बोली कही जा सकती थी, बोली कही जा सकती थी, लेकिन अंग्रेजी ने धीरे 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 अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा एक तरीके से मिला। हालांकि कई लोग इस पे आपत्ति भी करते हैं कि अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं माना जाए, लेकिन एक तरीके से कनेक्टिंग लैंग्वेज तो है ही। भारत के प्रधानमंत्री को यदि अमेरिका के प्रधानमंत्री से बात करना है तो वो ट्रांसलेटर लेके नहीं जाते हैं, वो अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते हैं, जबकि यदि जापान जाना होगा तो उनको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जापानी लैंग्वेज जो है वो कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा मानकीकरण उसका होना चाहिए। मानकीकरण से तात्पर्य है कि भाषा का कोई सुनिश्चित और निर्धारित रूप होना चाहिए, यह एक अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा जीवंतता जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवंतता जरूर होनी चाहिए भाषा में। जीवंतता से तात्पर्य है कि भाषा साहित्य के साथ साथ विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त की गई हो,
तथा उस भाषा में नवाचार किया जाना संभव हो, नए शब्दों का गठन किया जा सके, उनका प्रयोग किया जा सके, नए नए संबंधों का। देखिए भाषा के साथ जो है, भाषा को जब आप एक तालाब बना देंगे तो वो तालाब सूख जाएगा, लेकिन भाषा यदि नदी के रूप में रहेगी, यदि भाषा समुद्र के रूप में रहेगी, जहाँ से विभिन्न प्रकार के नदी जो है, विभिन्न प्रकार के तालाब जो है आके जहाँ मिले, तो वो भाषा ज्यादा सर्वाइवल। इसीलिए देखें आप, अंग्रेजी ने एक ट्रेंड जारी किया है कि अंग्रेजी में अन्य भाषा के शब्दों को शामिल किया जाता है जी। और हिंदी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, हिंदी भी विभिन्न भाषा के जो पुर्तगाली शब्द हैं, जो अन्य भाषा के शब्द हैं, उनको शामिल किए हुए हैं। अंग्रेजी के हैं और अरबी, फारसी और उससे जुड़े हुए शब्द हैं। हाँ। हिंदी भी और भारतीय भाषाओं से भी हिंदी में शब्द लिए जा रहे हैं, शब्द लिए जा रहे हैं। ये तो हमारी संवैधानिक नीति है, नीति है हिंदी के विकास के लिए भारतीय भाषाओं से शब्द लिए जाए। तो ये क्या कहने का तात्पर्य हुआ कि हिंदी एक जीवंत भाषा है, एक लाइव लैंग्वेज है। इसके अलावा चौथी जो शर्त है, वो आखिरी शर्त है, वह शर्त है स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, भाषा किसी अन्य भाषा पर आश्रित न हो एवं उसकी स्वतंत्र लिपि, शब्दावली व व्याकरण हो। यदि किसी भाषा की, यदि कोई भाषा किसी भाषा पर आश्रित नहीं है और उसकी अपनी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट है, अपना स्वतंत्र उसकी लिपि है, उसकी अपनी शब्दावली है, अपने शब्दकोश हैं और उसका अपना व्याकरण है, तो इन चार कैटेगरीज पे जो भाषा खरी उतरेगी उसे हम मानक भाषा कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने इतने सरल तरीके से भाषा में जो विभिन्न रूप हैं, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और मानक भाषा, इसको हमारे सामने रखा। इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।